हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर डीजे न्यूज एंड टेक्नोलॉजी में। और आज का जो टॉपिक है वो आपको मैं बताऊंगा 16 मिक्सर के बारे में, जो 16 चैनल का मिक्सर है जो कि लाइव मिक्सर है। तो आपको करना क्या है, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है, ये तो आपका काम हो गया। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज मैं आपको अनबॉक्सिंग नहीं करता हूँ, डायरेक्ट आपको मिक्सर दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं मिक्सर की तरफ। तो आप देखेंगे ये अराल्डो ऑडियो का, ये जो आप मिक्सर देख रहे हैं ये अराल्डो ऑडियो का मिक्सर है, जिसका मॉडल नंबर है BX16, यानी कि BX16 इसका मॉडल नंबर है, जो कि अराल्डो ऑडियो कंपनी का है ये। और बात करते हैं इसकी फिनिशिंग की, तो आप फिनिशिंग भी देख सकते हैं, काफ़ी शानदार फिनिशिंग है इसकी। और फिनिशिंग के अलावा आप देखेंगे इसका डिज़ाइन भी काफ़ी ठीक ठाक बना गया है, और जो कि अराल्डो ऑडियो का अपना डिज़ाइन है ये। और इसमें आप देखेंगे ये प्लास्टिक के दो फ्रेम दिए गए हैं, ये एक तरीके से हैंडल टाइप के हो गए, उठाने के काम में ये आता है। और वेट की बात करें, वेट भी इसका ठीक ठाक है। और ये जो प्रोडक्ट है, ये जो आप मिक्सर देख रहे हैं, ये जो है ये इम्पोर्टेड मिक्सर है। अब चलिए बताता हूँ इसके फीचर्स के बारे में, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या इसके फीचर्स नहीं हैं। तो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो आप देखेंगे ये 16 चैनल का ये मिक्सर है, सिंपल मिक्सर है, इसे नॉर्मल कोई भी यूज़ कर सकता है, लाइव प्रोग्राम में इसे यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। तो आपको बता दूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर लेफ़्ट राइट है, क्योंकि दो स्टूडियो जो ये मिक्सर जो होता है स्टूडियो होता है, तो लेफ़्ट राइट का हमें अगर कंट्रोल करना है तो लेफ़्ट राइट के लिए ऑप्शन दे रखा है इसका। और ये इफेक्ट यानी कि अगर हम कितना ई को यूज़ करना है कितना नहीं करना है इसके भी दे रखा है इसमें। ये आप देख रहे हैं ये ऑक्स के लिए दे रखा है, ये आप देख रहे हैं ये लो के लिए है, ये मिड के लिए है, ये हाई के लिए है, और ये गेन के लिए है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें भी माइक यूज़ कर सकते हैं और XLR में भी माइक यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप P38 की पिन लगा के यूज़ कीजिए माइक, या XLR लगा के इसमें माइक यूज़ कीजिए। ये हो गया। और अब बात करते हैं इसकी, तो आप ये देख सकते हैं PFL के लिए भी बटन दे रखा है। तो ये तो सिंपल मिक्सर है, इसे नॉर्मली ही कोई भी यूज़ कर सकता है। अब चलिए इसके बारे में बता दूँ, तो आप ये रेड कलर का देखेंगे, ये इफ़ेक्ट के लिए है कि इसके इफ़ेक्ट कि जो चालू करने के लिए ये दिया गया है कि हमें इसे यूज़ करना है या यूज़ नहीं करना। आप ये देखेंगे लेफ़्ट राइट के मास्टर हैं, मेन स्लाइड ये होते हैं आउटपुट के लिए, अगर हमें आर यानी कि राइट का ऑडियो यूज़ करनी है तो इसे ऊपर करेंगे, और लेफ़्ट का करना है तो इसे ऊपर करेंगे, नहीं तो दोनों यूज़ करने चाहते हैं तो दोनों ऊपर आप कर सकते हैं। चलिए ये आप देख रहे हैं ये हेडफोन का हो गया, और ये आप देख सकते हैं ऑक्स का आपको देखने को मिलेगा, ऑक्स और ऑक्स टू, यानी कि दो ऑक्स हैं इसके अंदर, रिपीट का भी है और इफेक्ट यानी कि इफेक्ट यूज़ करने का भी है, यूएसबी का भी है, रिटम का भी है, यानी कि इसमें हर फंक्शन है, हर चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं। और 48 वोल्ट की इसमें फैंटम पावर दी गई है, और डिजिटल इसमें 16 DPS का इसमें डिजिटल इको है, जो कि डिजिटल से यूज़ होता है, ये आप तो स्विच देख रहे हैं डाउन के लिए और अप के लिए इसे इको सेट किया जाता है। इसके अंदर एक ख़ास बात हो रही है कि इसके अंदर आप देख सकते हैं USB भी अटैच कर सकते हैं, जो कि हर मिक्सर में नहीं होता, लेकिन इसमें आप USB भी अटैच कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं इसमें इंडिकेशन भी दिया गया है, और ये बटन भी दिए गए हैं। हेडफोन आप इसमें P38 की पिन लगा के यूज़ कर सकते हैं, ऑक्स के लिए यहाँ यूज़ कर सकते हैं आप, रिटर्न के लिए आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, मॉनिटर यूज से आप दोनों में लेफ़्ट राइट में यूज़ कर सकते हैं मॉनिटर। और इसके अंदर एक बात ख़ास बात यह है कि इसमें आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग का भी फंक्शन दे रखा है। और सिंपल मिक्सर है, XLR आप इसमें XLR भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास XLR की लीड नहीं है तो P38 की लीड भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये मिक्सर बहुत सिंपल है, 48 वोल्ट की फैंटम पावर दी गई है इसके अंदर, इससे 48 वोल्ट फैंटम पावर से ये फ़ायदा होता है
कि अगर हम 16 लाइन या 16 मिक्सर हम यूज़ कर रहे हैं और हमारा मिक्सर दब रहा है यानी कि आवाज़ दब रही है, तो 48 वोल्ट फैंटम पावर को ऑन करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर लेवल भी दिया गया है, आप देखेंगे राइट का भी दे रखा है और लेफ्ट का भी इंडिकेशन ऑडियो का दे रखा है। इसके अंदर पावर का भी दे रखा है, आपको एलईडी लगी हुई है ताकि इसमें आपको पता लगे कि ऑन हुआ है या ऑफ है, इसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा। चलिए इसको ऑन करके देखते हैं। तो ऑन करेंगे, इसके अंदर एक ऑब्डक्टर है जो कि अलग से अलग, इसकी जो पावर सप्लाई अलग से लगाई जाती है ताकि अगर ये डैम ओपन होती है या ख़राब हो जाती है तो नॉर्मल हमें मिक्सर खोलने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर जो भी मिक्सर में कंप्लेंट आती है वो सप्लाई की वजह से आती है। तो सप्लाई अगर इसके अंदर जो है वो ट्रांसफार्मर की सप्लाई है, इसमें SMD की कोई सप्लाई नहीं है, क्योंकि जो SMD सप्लाई होती है वो जल्दी उड़ जाती है, वो कामयाब नहीं हो पाती। और ये जो है ट्रांसफार्मर की ये कामयाब रहती है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ज़्यादातर जनरेटर पे या यूज़ किए जाते हैं, मेन लाइन पे बहुत कम यूज़ होते हैं, तो इसलिए ये पावर जो है वो ट्रांसफार्मर का है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में बता दूँ आपको, इसकी इनपुट 220 है और आउटपुट की बात करें तो AC 18 वोल्ट का ये ऑब्जेक्टर है। कनेक्टर आप देख सकते हैं, काफ़ी हैवी कनेक्टर दिया गया है इसमें, पावर कॉर्ड भी ठीक ठाक है। चलिए आप इसको ऑन करके देखते हैं। चलिए तो आपको बता दूँ, तो बैक साइड में आप देखेंगे इसके अंदर आप ये ऑन ऑफ स्विच बैक साइड में दिया गया है, जो कि इसे ऑन ऑफ स्विच और रोकर स्विच भी बोलते हैं। ये आप देखेंगे, ये इसकी जो हम AC या जो लाइट दे रहे हैं कनेक्ट, मतलब जो करंट दे रहे हैं इसको AC का, वो हम इसमें कनेक्टर में लगा के इसको टाइट करते हैं। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि इसमें ट्रांसफार्मर की सप्लाई है और इसमें SMPS की सप्लाई नहीं लगी हुई। जो SMPS और की जो सप्लाई होती है वो जल्दी कर फ्रीक्वेंसी से आउट होने से ये ख़राब हो जाती है। तो चलिए इसे ऑन करके हम देखते हैं। SMPS सप्लाई में SMD भी लगाई जाती है, ये मैंने ऑन करा है। तो आप देखेंगे कि मैंने उसको ऑन करने के बाद यहाँ पर आप ऑन का इंडिकेशन देखने को मिलेगा आपको, और ये USB का लेवल आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। ये 48 वोल्ट की पावर सप्लाई मैंने ऑन कर दी है। अब बात करें पीक की, तो आप देख सकते हैं पीक की भी काफ़ी लाइट ऑन है इसके अंदर, काफ़ी पीक का सारा फंक्शन आता है इसके अंदर। और अब बात करते हैं इफ़ेक्ट की, तो आप देख सकते हैं इफ़ेक्ट का नहीं अप डाउन हो रहा है इसके अंदर, ये सारा डिजिटल है। तो मिक्सर के हिसाब से देखा जाए तो बड़ा सिंपल मिक्सर है, ठीक ठाक मिक्सर है, नॉर्मल इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, और ज़्यादातर ये लाइव प्रोग्राम में यूज़ होते हैं, तो इसे DJ भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो मुझे तो मिक्सर बहुत अच्छा लगा, बाकी टेस्टिंग अगली वीडियो में करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है, क्योंकि ये तो फ्री है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगली वीडियो के लिए इंतजार करें। जय हिंद।